हम ना यहाँ पे फुल हॉरर जगह पे आए हुए हैं इस टाइम पे, यहाँ पे और कोई भी नहीं है। ये कौन है? मजा आया इसे कहाँ छोड़ेंगे। इन मकसद है ट्रेन को देखना और वो भी करीब से देखना। और ये है वो, मतलब अब तो होटल बन गया लेकिन ये शिप है। तो चलते हम लोग एग्जैक्टली इस ब्रिज के नीचे आ गए हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल यार। आज की वीडियो में मैं हूँ सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया में, और जो कि मेरे घर से बहुत ज़्यादा कोई दूर है नहीं, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बताया था। लेकिन हम लोग एक स्टेकेशन पे निकले हुए हैं और आज उसका डे टू है भाई। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज यहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं, एक ब्रिज है टावर ब्रिज के नाम से। लेकिन वो ब्रिज जो है ना, वो यानी कि लंदन ब्रिज की आप लोगों को याद दिलाएगा, जिस तरह लंदन में टावर ब्रिज है उस तरह का सेम सीन है। मैंने ऑनलाइन अभी तक देखा, मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया, चलते हैं वहाँ जाकर देखते हैं। दूसरा भाई साहब, इसकी पार्किंग जो है ना वो ढूंढना अजाब है। आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि यहाँ पे हमारा घर, मैंने एयरबीएनबी यहाँ पे लिया हुआ है, लेकिन ये जो है पूरा नहीं हो रहा ट्रक उसके अंदर। सुबह सुबह मुझे जो है ना कल वहाँ से रिमूव करना पड़ा। हम लोग अपने बैग चेक भी साथ लेके चले थे, और अभी मैं बाहर क्यों लेके आ रहा हूँ बैग को, मैंने कहा यार थंबनेल ले लिया जाए, ये जरूरी। कम बेटा चलें घूमने जा रहे हैं, लेट्स गो लेट्स गो। चलो हम जा रहे हैं टावर ब्रिज पे, देखने मजा आएगा। ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, पता चलो इसको पकड़ो। ओके अभी हम निकले ही थे कि हम लोग वहाँ पे पास ही पहुँचने वाले हैं, और यहाँ पे सिग्नल्स हर जगह पे, इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे जगह जगह पे लिखा है भाई कम से कम फाइन $400-500 का है। यहाँ से हमने लेफ्ट जाना था और अपना खुला भी हुआ है। एक तो हम लोग निकलते बाद में और हमारा जो है ना स्नैकिंग टाइम जो पहले स्टार्ट हो जाता है, और ये तो मस्त है। मैंने काफ़ी टाइम से छोड़ी हुई है, मैंने पी रहा लेकिन अब जो है पीनी पड़ेगी। इन दोनों गाड़ियों के दरमियान में लगाई है, रिवर्स करके लग गई है। खैर अभी जो है हम लोग यहाँ पे जाएंगे, रिवर वे है यहाँ पे इस साइड पे, यहाँ से होते हुए ब्रिज तक जाएंगे। उस सबसे पहले जो है ना हम लोग इसकी प्रॉम निकाल लें, नल की ये सारे काम भाई खुद करने पड़ते हैं। नल भी निकाल लो फिर, मैं अच्छा चलो निकाल लो। नाल की ओ मिल गई, ऊपर चढ़ना पड़ता है पूरा। खैर इसको बैठाते हैं इसके अंदर, लेट्स गो। ये है जी रिवर वॉक, ठीक है। यहाँ पे जो है लोग अपने साइकिलिंग वगैरह भी करते हैं, जाते हैं। हम लोग जो है यहाँ से पैदल जाएंगे वॉक करते हुए, अबाउट 0.1 या 0.2 माइल्स है यहाँ से वो ब्रिज। फाइनली हम लोग ब्रिज के ऊपर पहुँच गए, और जो मेन चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था वो ये, सबसे पहले तो भाई इसका जो कलर है वो काफ़ी यूनिक सा है। एक ये नहीं सिर्फ जस्ट गोल्ड कलर किया हुआ है, इसमें ना एक शाइन सी भी, इस तरह रियल गोल्ड में होती है ना, काफ़ी मतलब करीब है रियल गोल्ड के। और सबसे मज़े की चीज़ वो ये है लेक है। अच्छा अब मतलब लंदन ब्रिज का तो एक अपना ही लेवल है, मतलब उनका जो टावर ब्रिज है उसकी मतलब चीज़ें ही अलग हैं, देखने में काफ़ी मज़ा आता है, डिफरेंट फील होती है, लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। लेकिन इसका सिमिलैरिटी मुझे कैसे लग रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये पूरा रिवर है, जिस तरह टावर ब्रिज के नीचे है लंदन के अंदर, साथ ही यहाँ पे जिस तरह उसके अंदर भी ये बोट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा चल रही होती हैं, सिमिलरली इसी तरह यहाँ पे भी व्यू है, वहाँ पे जो लोग वगैरह हैं वो आ रहे हैं जा रहे हैं। सेकंड एक मतलब है तो फनी सी थिंग, वहाँ पे लंदन आई का व्यू है, यहाँ पे भी एक छोटा मोटा सा लगा हुआ है तो ये फनी सी बात। चलते हैं वहाँ, उतरते हैं, उतर के उस साइड पे ना ऐसे चक्कर मार के आते हैं। अच्छा भाई लोग यहाँ पे ये पार्टी हो रही है, ठीक है। हेलो हाय बाय कर रहे हैं, यहाँ पे लोग देखे मतलब ऐसे खुश होते हैं, हेलो हाय करते हैं। हाँ बाकी हमारी वीडियो ना बनाओ ये ना करो, यहाँ पे देखो लोग कर रहे हैं हेलो हाय कर रहे हैं। अच्छा अरे तो हम लोग चलते चलते ब्रिज के दूसरी साइड पे आ गए हैं। यहाँ पे जितना भी सीन है ना भाई, पैदल चलने का, घूमो फिरो सुकून से। यहाँ पे पार्क आया था अपने पास, ठीक है। क्या बात, ये बात है, क्या मसला है? अभी मजा आएगा ना इसे कहाँ छोड़ेंगे
कौन है ये लोग? मेरे बगैर बैठोगी? शर्म तो ना आएगी? नहीं। आपके सारे अरमानी टूट गए हैं। उन्होंने कहा भाई 44 इंच स्टॉल एटलीस्ट होना चाहिए, तब आप लोग उसके ऊपर बैठ सकते हो। तो अब फिर मूड बना के कहाँ जा रही हो? एक तो ये बच्ची साथ ले आता हूँ मैं, इसको जो है ना वक्रा शौक होता है झूले लेने का, अब उसके साथ नहीं जा सकते हम लोग दोनों कहीं, क्या करें फिर हम? क्या इसकी, चलो इसके ऊपर बैठ जाते हैं, ये बैठने की जगह मस्त प्लान है। और जो सेंट्रल पैसिफिक रेल जो है ना यहाँ पे बना हुआ है, इसकी भी सारी डिटेल्स वगैरह यहाँ पे लिखी है। खैर हमारा जो है ना मेन मकसद है ट्रेन को देखना, और वो भी करीब से देखना। तो यहाँ पे बिल्कुल ना ये लकड़ी की ये बनी हुई है, जो कि काफ़ी एक ज़बरदस्त सी सीन लग रहा है। मतलब किसी दौर में यहाँ पे प्रॉपर स्टेशन होता होगा और यही उसका जो है ना स्टॉप होता होगा, लेकिन आज के दौर तक जो है ना काफ़ी ज़्यादा यूनिक सा लग रहा है, काफ़ी मज़े का लग रहा है। ये देख रहे हो क्या चीज़ है इसके इंजन, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है इस टाइप का। और अभी ये ट्रेन है, ओए ओए चल के देखते हैं, मज़ा आएगा यार। मुझे ऐसा लग रहा है मैं डिफरेंट एक जगह पे आ रहा हूँ यार, मुझे ना इस टाइप की चीज़ें देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, लिटरली डिफरेंट सीन है। और लोग जिनको क्या तकलीफ है भाई, यहाँ पे पिक्चर करते हैं यार, प्लीज 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 फोटोग्राफी करते हैं, यहाँ पे मज़ा आएगा। ये भाई लोग इन्होंने जो है ना अंदर अपने वो खड़े किए हुए इंजन वगैरह जो पुराने इंजन होते थे, और उसके बाद यार मुझे ना बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस एरिया में, थोड़ी हिस्टोरिकल थोड़ी सी यू नो ट्रेन टाइप और इस टाइप की चीज़ें जो है ना, देखो कितनी मज़े की जगह लग रही है भाई। मुझे मुझे पता तुम लोग बहुत लोग मुझे पागल भी कहोगे, बात तो सही है ये बात सुन के, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। ओए मेरी तरह के पागल और भी हैं, वो देखो वो घूम रहे हैं। अच्छा हुई डर लग रहा है यार यहाँ से नीचे देखते हुए, ये ना बहुत सारे दरख्त से ऐसे टूट के गिरे हुए हैं नीचे। अभी मैं आपको थोड़ा सा हॉरर जो है ना वो मूवी शूट करके दिखाता हूँ। देखो ना कैसा दिया, और चुड़ैल असल चुड़ैल इंपोर्ट की है मेरे ऊपर से। अबे साले ऊपर से उतरिया भी असल चुड़ैल। कैसा दिया। चलो जी यहाँ पे ये हम लोगों ने बना दिया, जिसको आके यहाँ पे मिल गया स्टोरी पे उसने हमें टैग किया, ये उसको जो है स्पेशल क्या मिलेगा? आपके हाथ की बिरयानी, आपके हाथ की बिरयानी सड़ी हुई जो कि मर जाएगा खा के बंदा। अच्छा ये है वो शिप, ठीक है, जो कि यहाँ पे खड़ी हुई है, और लेट्स सी यहाँ पे इसकी पूरी जो है ना हिस्ट्री बनी हुई है, क्या था कैसे था इसके रूम। अच्छा यहाँ पे क्या होटल रूम भी है इसका मतलब, ये तो है ना, या होंगे या थे, बाकी ये ऐसे डिटेल्स हैं आप लोग खुद पढ़ लेना, मैं भी वीडियो एडिट करते हुए पढ़ूंगा। अभी जो है बस हम घूम रहे हैं फिर रहे हैं, और हम लोग जो डेल्टा वाली बोट थी उसके ऊपर चढ़ गए हैं। किसी दौर में ये चलती होगी पानी के अंदर, समंदर के अंदर, ये सारे रूम्स वगैरह यहाँ पे इसके बने हुए। अब मेरे ख्याल से ये एक काइंड ऑफ होटल बन गया यहाँ पे, ये शायद क्रूज है जो कि चलते होंगे शाम के टाइम, इस तरह दुबई में भी दुबई क्रूज वगैरह होते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट बट मुझे लग रहा है। और ये है वो मतलब अब तो होटल बन गया, लेकिन ये शिप है यहाँ पे, ये वाली शिप आ गई जो हम लोगों ने ऊपर से देखी थी। बतखें भी घूम रही है यहाँ पे, चक्कर इतनी बड़ी बतख है वो, चक्कर डकी भाई घूम रहा है भाई यहाँ पे, क्या हो रहा है? नहीं डरो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, गया पानी में। डर क्यों रही हो, गया वो परिंदा यार छोटा सा कबूतर था, उसने आपको क्या कहना है डरपोक। चलते चलते हम लोग एग्जैक्टली इस ब्रिज के नीचे आ गए हैं। नीचे से ब्रिज देख रहे हो यार, ज्यादा मजा आ रहा है, ये देख रहे हो क्या ही सीन है इस साइड पे, लेवल है। बस ये हमारा डेड एंड है यहाँ से, इसके आगे हम लोग नहीं जा सकते, यहाँ पे आगे बोट ही है उसी पे जा सकते। चलो चलते हैं वापस, अब जाके अपना ट्रक उठाते हैं और फिर घूमते हैं उसके ऊपर ही। अभी जो है ना 5 बज गए हैं तकरीबन, हमने 1 घंटे की वॉक की, राइट, ऑलमोस्ट 1 घंटे की वॉक की, और हम लोग फाइनली वापस पहुंच गए। अच्छा फाइनली हम लोग गाड़ी में आके बैठ गए हैं, और अब हम लोग यहाँ से चलने लगे हैं, लेकिन जो है ना अब हम लोग घूमेंगे गाड़ी में जितना घूम सकते हैं, जब तक हमें कोई बहुत अच्छी जगह नहीं मिलती, क्योंकि हम लोग थक गए हैं बहुत ज़्यादा चल चल के। और आप क्या खा रही हो अकेली अकेली, शर्म नहीं आती? मिस्टर बीस्ट की फीस टेबल खा रही हूं, बहुत मजे की, आप खाएं। मिस्टर बीस्ट ने लगता तुम्हें पैसे दिए, खिला दो मुझे जल्दी, मैं खिला दूँ, हॉट डन होंगे। मिस्टर बीस्ट ने हमें दिया 50-60 हज़ार डॉलर इस बात के, राइट। तो भाई लोग अभी हम लोग ना गाड़ी के अंदर आ गए हैं यहाँ पे उसी एरिया में जहाँ पे हम लोग घूम रहे थे, यहाँ पे आसपास मैंने घूमा है,
हम लोगों ने अब घूम फिर लिया। अब हमारा प्लान ये बना कि हम लोग जाते हैं यहाँ पे एक शॉप है जहाँ पे कपड़े मिलते हैं, इंडियन शॉप है, जाकर देखते हैं वहाँ पे कपड़े कुर्ते शुरते ये वैसे चीजें मिलती हैं कि नहीं मिलती। हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, चावला इम्पोरियम इसका नाम है, जाकर देखते हैं अभी कि अपने मतलब की कोई चीज यहाँ से मिलती है कि नहीं मिलती। A few moments later. अच्छे यार अंदर गए थे, कपड़े थे अच्छे थे लेकिन हमारे मतलब के नहीं थे, जो हमें पसंद आए उस टाइप के नहीं थे, थोड़े से डिफरेंट थे। और भाई लोग अब जो है ना हम लोग गाँव को कोई चीज नहीं मिल रही, कहाँ जाए, कहाँ घूमे, क्या करे क्या ना करे, तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि अपने प्लान को मिनिमाइज करते हैं, जो पैसे भरे हुए एयरबीएनबी के वो जाए भाड़ में। अच्छा जाए भाड़ में, हम लोग चलते हैं वापस घर की तरफ क्योंकि यहाँ पे जो घूमना था वो हमने घूम लिया है। और भाई लोग तैयारी है गोइंग बैक, तकरीबन 8 बज रहे हैं, ठीक है, आपने लापरवाही का नतीजा है, तकरीबन 8 बज रहे हैं और वापस जाने की तैयारी जो है ना वो अपनी हो चुकी है। ओ भाई साहब किधर जा रहे हो? और तो भाई निकलने का टाइम हो गया, सारी चीजें जो है ना गाड़ी के अंदर हमने रख ली है और अंधेरा भी हल्का हल्का स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे लोकेशन वगैरह भी अपनी लगा लेते हैं और हम बस निकलते हैं। और मी शो यू, ये आ गया जी अपना ब्रिज। तो दूर से देखने में ना ये पूरा गोल्डन लगता है, गोल्डन गोल्डन है, लेकिन यहाँ पे जब आओ ऐसे तो फिर लाइट्स इतनी ज़्यादा इस पर विजिबल नहीं है। तो ये है जी रात का सीन यहाँ का, बाकी रात तो यहाँ पर भी लाइट्स ऐसे हैं। तो भाई साहब अब जो है ना फाइनली वीडियो एंड करने लगा, आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पेट्रोल भी डलवाना है अभी, गैस स्टेशन भी चलते हैं। तो डीजल जो है ना वो बहुत मुश्किल से मिला है, हर जगह से बायो डीजल मिल रहा था, तो एक गैस स्टेशन पर रुका, साथ में मैंने एक कॉफ़ी पकड़ी है और बस मिनाल जो है वो उठकी थी सोई हुई, उसकी मम्मा ने पकड़ ली है, अब हम चल रहे हैं। ठीक है कॉफ़ी अच्छी लगी है भाई, एक और ले लेते हैं, इस बार कैरमल वाला ले लेते हैं, पहले मैं ये ले गया हूँ। तो लेट्स डू इट ब्रो। वीडियो के चक्कर में हो गया काम।